नमस्कार प्रज्ञा वीडियो एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग पिछली वीडियो तो देख ली होंगे, प्रयास वासी विद्यालय कक्षा नौवीं वर्ष 2020-21 का प्रेस हेतु सूचना के बारे में। तो उसमें दो चीज मैंने बताया था, एक है आपका जो कवरिंग लेटर होता है उसके बारे में बताया था, उसमें आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और साथ ही आप लोग का जो सूची आया था अलग अलग जो विद्यालयों में जो आवंटन सूची आई थी वो सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज की वीडियो में आप लोग के लिए थोड़ा से याद दिलाने के उद्देश्य से मैं फिर से दोबारा यहाँ पर रिपीट करने जा रहा हूँ कि प्रयास आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेने के दौरान आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी जानकारी आप लोग को स्पष्ट रूप से दूंगा। और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपका शासन मतलब सिटी ट्रैवल की तरफ से जारी किया गया चिट्ठी, कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर छत्तीसगढ़, तो 22/12/2021 को जारी किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है प्रयास आवासीय विद्यालय के कक्षा नौवीं वर्ष 2020-21 में प्रेस हेतु सूचना। इसके अंदर लिखा है वर्ष 2021-22 में प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालयों के कक्षा नौवीं में प्रेस हेतु चॉइस फिल्म फॉर्म प्रकार जिलों से प्राप्त सूची के आधार पर विभिन्न प्रयास विद्यालय में प्रेस हेतु विद्यालय वार चयन सूची जारी की जा रही है। तो इसके पहले जारी कर दी गई है आवंटन सूची में, आप लोग पिछला वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पर पूरा मैं आवंटन सूची के बारे में बता दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हो। जो लोग नहीं देखे हो अभी ज़्यादा समय नहीं है इसलिए फटाफट जरूर देखिएगा, नहीं तो एक बार चूक गए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवंटित प्रयास विद्यालयों में प्रेस हेतु दिनांक 31/12/2021 तक नामांकित अभिलेखों के साथ अनिवार्यतः उपस्थित हो। कहाँ पर उपस्थित होना है, जिस स्कूल में आप लोग को बुलाया गया है, जिस स्कूल में आपका आवंटन किया गया उसी स्कूल में जाना है और सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, एक भी डॉक्यूमेंट को नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सा आपको संलग्न करना है। पहला है स्थायी जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होगा। तो ये आप लोग तो समझते होंगे सक्षम अधिकारी कौन होते हैं, जैसे आपका SDM होते हैं जिसको हम अनुविभागीय अधिकारी बोलते हैं, या आपका तहसीलदार होते हैं, ये है सक्षम अधिकारी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको हम शॉर्ट में TC बोलते हैं, जो आपकी विद्यालय की तरफ से जारी किया जाता है। ठीक है, शाला छोड़ने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद है कक्षा आठवीं की अंक सूची, तो पिछले साल आपने कक्षा आठवीं पास किए थे, वैसे कोविड के चलते तो आप लोग परीक्षा तो नहीं दिए होंगे, तो सबके सब तो पास हुए होंगे। ठीक है, नक्सल प्रभावित जिले अनुसूचित क्षेत्र से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ पर विशेष रूप से लिखा हुआ है। उसके बाद पांचवा है मेडिकल प्रमाण पत्र, ये बहुत ही जरूरी है, जो लोग मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं बनाया है उसको अनिवार्य रूप से बनवा लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल प्रमाण पत्र आने में 5-6 दिन लग जाते हैं। कोई भी गंभीर बीमारी नहीं हो इस आशय से संबंधित है, कई बार क्या है कोई छात्र गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं और उसको हॉस्पिटल में डाल देते हैं, और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ऐसा है कि हर बच्चे को विशेष रूप से नहीं दिया जाता है, यहाँ पर सभी बच्चे पर ध्यान देना पड़ता है, वो नहीं चाहते कि कोई एकदम बीमारी से पीड़ित हो। ठीक है, तो इसी वजह से मेडिकल प्रमाण पत्र मंगवाया जा रहा है, जो कि 100-100 बच्चे को मैनेज करना आसानी होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और अपने पढ़ाई में ध्यान लगा सके। ठीक है, शाला में प्रेस हेतु पालक अभिभावक का घोषणा पत्र, वैसे घोषणा पत्र बहुत पहले से दिया हुआ था चॉइस फिल्म फॉर्म के दौरान, उसी घोषणा पत्र को लेकर आना है। ठीक है, नहीं है तो वहीं से ले सकते हैं, या तो आप लोग पॉलिटी लिए होंगे तो ये सब सारी जानकारी इसी में दिया हुआ है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप लोग बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हो।
तो आप लोगों को तो समझ आ गया होगा, इतने सारे आप लोगों को वहाँ पर संलग्न करना है। जब भी जाओगे पूरा आपका जो फाइल है पकड़ के चले जाना, और पता नहीं दुनिया भर का मंगले गया, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड भी नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है आधार कार्ड भी मंगले, यहाँ पर आधार कार्ड भी लिखना चाहिए था। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक कर देगा, और इस तरह का मैं नया नया जानकारियां लेकर आते रहूंगा। जाने के इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।